हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल दी विकिपीडिया पे। मैं हूं आपका होस्ट अमित भाई। सर्दियां आ रही हैं तो कोई बात नहीं, आने दो उनको। हमारे पास भी एक से एक बेहतरीन रम की बोतल है। जी हाँ, ये जो आप बोतल देख रहे हो ये वोडका नहीं है, ये रम की बोतल है। यही चीज इसको काफी ज्यादा यूनिक बनाती है। जी हाँ, आज इस वीडियो में बकाडी लिमोन का मैं रिव्यू आपके लिए लेके आया हूँ। दोस्तों, आपने देखा होगा फ्लेवर्ड वोडका मार्केट में आती है, जैसे कि सिट्रस वोडका हो गई या फिर एप्पल वोडका होगी, लेकिन ये लेमन फ्लेवर वाली रम है। यही चीज इसको काफी ज्यादा यूनिक बनाती है। काफी ज्यादा रिक्वेस्ट भी आ रही थी कि बकाडी लिमोन का रिव्यू किया जाए, तो आज इस वीडियो में सारी डिटेल्स बताऊंगा। ये पीने में कैसी है, मार्केट में कितने की मिल जाती है, सीएसडी कैंटीन में कितने की आपको मिल जाती है, इसको पीना कैसे चाहिए, सारी इंफॉर्मेशन दूंगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट और एक हल्की सी नाराजगी है मुझे आप लोगों के साथ। प्लीज यार, आप वीडियो देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। जी हाँ, 80% से ज्यादा लोग वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज यार, चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो अच्छी लगे तो यार अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करो, क्योंकि प्रोडक्ट लाने में, वीडियो बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, ये है बॉटल बकाडी लिमोन रम की। अब ये जो वर्ड है ना लिमोन, ये एक स्पेनिश वर्ड है जिसको कि लेमन ही बोलते हैं, तो हम इंडिया में रहते हैं तो मैं इसको बकाडी लेमन ही बोलूंगा। बॉटल देखने में काफी ज्यादा अच्छी है, क्लीन लुक के साथ आती है, लेकिन येलो कलर का यूज काफी अच्छा किया गया है। देख के लग रहा है कि यार ये जो रम होगी ना, पीने में काफी ज्यादा टैंगी होगी, एक खट्टापन इसमें आएगा, क्योंकि बॉटल देख के ही खट्टी सी लग रही है। उसके बाद इसकी ज्यादा हिस्ट्री मैं आपको नहीं बताऊंगा बकाडी ब्रांड के बारे में, क्योंकि बकाडी व्हाइट और ब्लैक मैं ऑलरेडी चैनल पे कवर कर चुका हूँ। 750 ml की बॉटल है और इसमें अल्कोहल स्ट्रेंथ 37.5% मिलेगी। जी हाँ, थोड़ी सी कम अल्कोहल स्ट्रेंथ मिलती है, वो क्यों? क्योंकि ये एक फ्लेवर्ड रम है। जी हाँ, इसमें जो फ्लेवर मिलता है ये तीन सिट्रस फ्रूट का ब्लेंड है, जिसमें लाइम, लेमन और ग्रेप फ्रूट शामिल है। दोस्तों, इसमें जो फ्लेवर मिलाया गया है ये आर्टिफिशियल फ्लेवर है, ये नेचुरल फ्लेवर नहीं है। जी हाँ, फ्लेवरिंग एजेंट को यूज किया गया है इसको बनाने के लिए। बनती वैसे ये शुगर केन जूस से ही है, मुलासिस से ही है। चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स भी जान लेते हैं। दोस्तों, इसमें पड़ा है डीमिनरलाइज्ड वाटर, न्यूट्रल स्पिरिट्स, इन्वर्ट शुगर, नेचुरल फ्लेवरिंग सब्सटेंस। तो जैसे कि मैं आपको बता ही चुका हूँ कि ये मुलासिस से बनी है, उसके बाद प्योर स्पिरिट जो रम एक निकलती है वो मिली, उसके बाद इसमें एक फ्लेवरिंग एजेंट को ऐड किया गया है, जिस वजह से ये लेमन का टेस्ट हमें देती है। ज्यादा मैच्योर इसको नहीं किया जाता, वुडन कास्क में इसको मैच्योर नहीं किया जाता, जिस वजह से ये वाइट रम है और ये आती भी वाइट रम की सीरीज में ही है। ये आपको सीएसडी कैंटीन में और नॉर्मल मार्केट में मिल जाएगी। नॉर्मल मार्केट में 1000 के अंदर आपको इजीली मिल जाएगी। पंजाब की बात करूं तो नियर अबाउट 800 के आसपास आपको मार्केट में मिल जाएगी, और कैंटीन की बात की जाए तो वहां पे 450 रुपए की मिल जाएगी। कितना डिफरेंस है ना, बाहर 800 की तो अंदर 450 की। तो भाई, मैंने भी जैक लगा के अंदर से ही बॉटल लिया है, 350 रुपया अपना बचा लिया है। तो चलिए अब इसको ओपन करते हैं, ग्लास में डालते हैं, उसके बाद टेस्ट करते हैं। टेस्ट तो इसका लेमन का ही होगा, इसका मजेदार सा एक पैक बनाएंगे, देखेंगे क्या इंग्रेडिएंट इसके साथ जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सामान देख के तो समझ ही गए होगे कि नोजिंग और टेस्टिंग काफी जबरदस्त होने वाली है। चलिए इसको पोर करते हैं। इसके ऊपर सिक्योरिटी नोजल दी गई है। दोस्तों, कलर तो इसका बिल्कुल नेचुरल है, बिल्कुल न्यूट्रल सा कलर है। जी हाँ, इसमें कोई भी कलर आपको नहीं मिलेगा, बिल्कुल वोडका जैसी लग रही है ये। ओए होए होए, हल्के हल्के नींबू मिल रहे हैं और पके हुए नींबू। नींबू का आउटर पार्ट, छिलका जिसे बोलते हैं, उसकी हल्की सी नोजिंग मुझे आ रही है भाई। बहुत ही प्यारी एक स्वीट, एक लेमनिश नोजिंग है इसकी। लग नहीं रहा कि मैं रम को नोज कर रहा हूं। जब भी रम को नोज या फिर पीते हैं ना, तो महक आती है मुंह से, तो मुझे लगता है कि इसको पीने के बाद अपने माउथ से वो महक भी नहीं आएगी। चलिए करते हैं टेस्ट। चीयर्स। ओए होए, ऐसा लग रहा है ऑलरेडी ड्रिंक बना के बॉटल में डाल दिया है। स्वीट है, मीठी है, नींबू का, लेमन का काफी अच्छा एहसास आ रहा है, लेमन ग्रास का काफी अच्छा टेस्ट इसमें से आ रहा है, बहुत रिफ्रेशिंग है।
एल्कोहल की बाइट ना मात्र है बिल्कुल, क्योंकि एल्कोहल स्ट्रेंथ इसमें कम है, 37.5% है। इस वजह से नीट मैं इसको पी पा रहा हूं, लेकिन नीट नहीं पीनी चाहिए। बॉटल के ऊपर भी उन्होंने खुद लिखा है मेड फॉर मिक्सिंग, तो कंपनी खुद कहती है कि इसको मिक्स करके पियो, नीट पागलों की तरह मत पीते रहो। तो चलिए एक बढ़िया सी ड्रिंक बनाते हैं अपने ग्लास में। इसको थोड़ा सा मैं और पोर करूंगा रम को। तो दोस्तों अब मैं आपको एक शानदार ड्रिंक बना के दिखाने लगा हूं कि लिमोन रम को पीना कैसे चाहिए। इसको लोग कोल्ड ड्रिंक में ज्यादा पीते हैं, तो मैं इसको आज कोक में नहीं पी रहा हूं, क्योंकि कोक का एक अलग वनीला टेस्ट होता है। इसको हम पियेंगे लिमका में, क्योंकि इसमें भी लेमन फ्लेवर है, तो काफी अच्छे से वो मिल जाएंगे। चलिए इसको थोड़ा सा डाल के एक पैक बनाते हैं। दोस्तों हाफ पोर्शन मैंने लिमका का डाला है, पूरा नहीं डालना, नहीं तो बहुत ज्यादा मीठी ड्रिंक आपकी बन जाएगी, ज्यादा स्वीट हो जाएगी। बाकी का जो पोर्शन रह गया है उसे हम टॉप अप करेंगे अपने सोडे के साथ। दोस्तों इसमें रम है, हाफ पोर्शन इसमें मैंने लिमका ऐड किया है और हाफ पोर्शन मैंने इसमें सोडा मिलाया है। रंग काफी ज्यादा अच्छा आया है। आप इसके ऊपर लेमन स्लाइस दे सकते हो या फिर स्क्वीज कर सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, ज्यादा लेमन हो जाएगा। इसमें भी लेमन है, लिमका में भी लेमन है, ऊपर से भी लेमन डाल दोगे तो हल्का आपको ऐसा ही लगेगा कि लेमन ही पी रहे हो, आपका वो मजा नहीं आएगा। इस वजह से लेमन मैंने ऊपर से नहीं डाला। चलिए टेस्ट करते हैं। चीयर्स टू एवरीवन। वाह, परफेक्ट ड्रिंक, बहुत ज्यादा मीठी भी नहीं है क्योंकि सोडा हमने ऐड किया है। लेमन का हल्का सा टेस्ट आ रहा है क्योंकि काफी डाइल्यूट हो गई है। उसके बाद इसमें हल्की सी स्वीटनेस भी है जो कि लिमका से आ रही है। भाई ड्रिंक लाजवाब बना है, बस एक चखने की देर रह गई है। कोई बढ़िया सा चखना साथ में हो तो हमारा जो आज का एपिसोड है ना ये कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था मेरा रिव्यू बकाड़ी लेमन के ऊपर। अकॉर्डिंग टू प्राइस रेंज काफी अच्छी ये रम है, 1000 के अंदर आपको मिल जाती है। टेस्ट काफी ज्यादा अच्छा है, स्मेल नहीं आएगी आपके मुंह में से, लेमन का फ्लेवर बहुत अच्छा आपको मिलेगा। वोडका से डिफरेंट अगर आप कुछ ट्राई करना चाहते हो तो आप ये ट्राई करो, बहुत बेहतरीन टेस्ट है। किस किस की ये फेवरेट है प्लीज नीचे कमेंट करके बताइएगा जरूर। तो ये थी आज की वीडियो, जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ। टिल देन चीयर्स, पियो और जियो।